दोस्तों, ये देखिए मेरे पास क्या है, सारे कपड़ों के टुकड़े ही टुकड़े। तो आज हम इनसे बनाने वाले हैं एक बहुत ही काम की चीज़, जिसे कि हम अक्सर फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये टुकड़े आज हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए इनसे बनाना शुरू करते हैं और देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और जो मैं बनाऊँगी ना, वो बन के इतना सुंदर लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कपड़े हैं उनको हम उनकी हम पतली पतली करीब करीब 2-2 इंच की स्ट्रिप्स कट कर लेंगे, और उसके बाद उनको इस तरह से जोड़ लगा के सिल देंगे। छोटी हो बड़ी हो, आप सारी स्ट्रिप्स को सिल लीजिए। ये देखिए मैंने कुछ स्ट्रिप्स इस तरह से 2 अलग अलग सिल रखी हैं, और इस तरह से करते करते मैंने काफ़ी सारे रोल रेडी कर रखे हैं पहले से ही। ये देखिए मैंने इस तरह से 3-4 रोल बना लिए हैं कि मेरे अब यूज़ होंगे। ये देखिए मैंने पहले ही बना लिए थे, ऐसे काफ़ी सारे रोल्स मैंने बना के इकट्ठे कर लिए हैं, और इसमें आप हर कलर का यूज़ कर सकते हैं। बना लिया है, ये एक बेडशीट का कपड़ा है देखिए, और इसको मैंने कुछ इस शेप में, रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है। बेसिकली हम इसका बनाने जा रहे हैं मैट, और ये जैसे हम पूजा करने बैठते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी टेबल पे भी बिछा सकते हैं, और पलंग के नीचे हम पैर पोछने के लिए भी बिछा सकते हैं, बेड पे चढ़ने से पहले पैर क्लीन करने के लिए। ये देखिए इसकी चौड़ाई है 21 इंच, वेथ इसकी 21 है, 21.5, और इसकी लंबाई है 31 इसकी लंबाई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इसकी जो फ्रंट साइड है उसे नीचे रखेंगे, और उल्टी साइड जो है इसका उल्टी साइड इसको सिलाई मशीन की तरफ रख के हम इस पर ये जो हमने रोल्स तैयार किए हैं इनको लेके स्टिच करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने एक रोल लिया है और इसको हम सीधा नीचे रख के और इस तरह से डबल करके इस कपड़े के कॉर्नर पर इस तरह से रख के बंद साइड बाहर और खुली साइड अंदर और स्टिच करना शुरू करेंगे। सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप इसे मार्केट से परचेज़ करते हैं ना, तो ये हैंडीक्राफ्ट के शॉप पे या हैंडीक्राफ्ट में आपको 500 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगा, कम से कम। तो आप भी इसे बना सकते हैं, और इसे बनाना बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको बताया। आप इस मेथड से इसे बनाइए और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप किसी को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। मेरे पास तो खैर इसके बहुत सारे ऑर्डर आते रहते हैं, तो मैं तो इसे रेगुलर बेसिस पे बनाती ही रहती हूँ। बचे हुए कपड़ों का एकदम बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है, ये बहुत ही बढ़िया यूज़ है। देखिए
इतना कलरफुल, और आप इसे फेस्टिवल पे भी बिछा सकते हैं कहीं पर भी, जैसे आप चौकी लगाते हैं चौकी के ऊपर बिछा सकते हैं, क्योंकि ये नए कपड़े हैं जो बचे हुए रहते हैं छोटे छोटे पीसेस, और इसे आप एज ए मैट बेड के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, पैर क्लीन करके उसके बाद बिस्तर पे चढ़िए, बच्चों से बोलिए इस पे पैर साफ़ करके ही चढ़ना है, और इस तरह से आप इसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। रसोई में खड़े हैं खाना बनाने के लिए उपवास के दिन या आगे पीछे भी, तो आप इस पे पैर रख के सर्दियों के दिनों में ठंड से भी बचा जा सकता है, और इसे किसी टेबल पे भी लगाया जा सकता है, कोई छोटी टेबल या कॉर्नर टेबल उस पे भी आप इसको इस तरह से रख के डेकोरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक फ्लावर वास रख दीजिए तो भी ये बहुत सुंदर लगता है। ये हमेशा ऑल टाइम मतलब चलता है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ आउटडेटेड होगा, और ये बहुत ही अच्छा सुंदर बना है। जब हम इसे वॉश करेंगे तो जो हमने पीछे दो लूप्स दिए ना, इन लूप्स में हम इन्हें अटका भी सकते हैं कहीं पे भी, और अगर हमें इसे बिछाने के लिए नहीं यूज़ करना है तो हम इसे वॉल डेकोर के रूप में भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये एज ए वॉल डेकोर भी यूज़ हो सकता है। देखिए सुंदर से काम के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा एकदम, मतलब इतना कलरफुल होता है ना ये कि इसे देख के एकदम अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ऐसी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट के शॉप पे आपको काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, और आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, और पीछे से भी देखिए कितना नीट एंड क्लीन वर्क है, और ये आप कोई भी पुरानी बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये पीछे से भी एकदम क्लीन, और ये देखिए आगे से भी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।